तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आ गई है ये खबर कि भाई बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि भैया ऋतिक रोशन को अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म के फ्रेंचाइजी के लिए मिल गया है वो डायरेक्टर जिसकी तलाश उनके पापा कर रहे थे। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन अपनी आने वाली दो फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। यानी कि एक फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि फाइटर का काम बहुत जल्दी ही उनके पसंदीदा डायरेक्टरों में से एक यानी कि सिद्धार्थ आनंद कम्प्लीट करेंगे और ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उसके बाद भैया ऋतिक रोशन अपनी आने वाली अगली सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी को लेकर आएंगे सिनेमाघरों में वॉर के पार्ट टू के माध्यम से, जिसको लेकर YRF की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि भाई YRF के स्पाई वर्ल्ड की ये दो फिल्म है ये भाई फ्लोर पर चली जाएगी जैसे ही फाइटर का काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार तो गर्म हो ही चुका था कि भाई उसके साथ ही ऋतिक रोशन के सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया क्रिश के अगले भाग को भी लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया था कि भैया इस फिल्म का काम भी बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे भैया ऋतिक रोशन। यानी कि क्रिश के पार्ट फोर को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी थी इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि राकेश रोशन के द्वारा कि भैया इस की कहानी का जो काम चल रहा था वो काम अब अपने आखिरी फेज में आ चुका है। यानी कि बहुत जल्दी ही इस फिल्म के स्टार कास्ट को भी पूरा कर लिया जाएगा और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों को दे दी जाएगी कि भाई ये फिल्म कब से जाने वाली है फ्लोर पर। यानी कि इस फिल्म को लेकर हिंट तो मिल चुका है राकेश रोशन के द्वारा कि भैया ये फिल्म जो है वो 2024 के अंत में फ्लोर पर जाएगी, क्योंकि इससे पहले ऋतिक रोशन वॉर के पार्ट टू का काम कंप्लीट करेंगे। तब तक इस फिल्म की कहानी को राकेश रोशन इस फिल्म के राइटरों के साथ मिलकर और भी मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही भैया राकेश रोशन ने यह बात भी बता दी थी कि भैया इस बार वो इस फिल्म के पार्ट को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। यानी भैया क्रिश फोर के पार्ट को डायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि भैया वो एक ऐसे डायरेक्टर को लेकर आएंगे जो कि भैया नए जमाने के हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट कर सके। और भाई जैसी ही ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया उसी के साथ ही खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म हो गया था कि भाई सिद्धार्थ आनंद के हाथ में ही ये फिल्म जाने वाली है, क्योंकि भैया वो इस वक्त भैया नए जमाने के नब्ज को बहुत ही करीब से पहचान चुके हैं। उनके द्वारा डायरेक्ट की जा रही हर एक फिल्म सिनेमाघरों में जबरदस्त हिट फिल्म बन रही है और भाई ऐसी फिल्मों के लिए तो भैया सिद्धार्थ आनंद ही सही रहेंगे। लेकिन भाई फिलहाल फिलहाल में ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई कि भैया सिद्धार्थ आनंद जो है वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। और आज सिद्धार्थ आनंद को लेकर ये बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि वो इस फिल्म के बोर्ड के साथ तो जुड़ रहे हैं लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर। यानी कि भैया वो इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम में एंट्री मारेंगे एज ए प्रोड्यूसर और इस फिल्म को डायरेक्ट करने का कार्यभार उस डायरेक्टर को दिया जाएगा जिन्होंने ऋतिक रोशन के लिए बनाई थी अग्निपथ। यानी कि भैया क्रिश फोर के पार्ट को लेकर यह जानकारी उनके सामने आ रही है कि भैया राकेश रोशन ने इस फिल्म के डायरेक्शन का जो कार्यभार है ना वो सौंप दिया है करण मल्होत्रा को। यानी कि भैया करण मल्होत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भाई सिद्धार्थ आनंद तो इस फिल्म की टीम के साथ जुड़े हैं लेकिन एज ए प्रोड्यूसर तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा? आपको क्या लगता है क्या करण मल्होत्रा इस फिल्म के साथ इंसाफ कर पाएंगे? क्या आप यही चाहते हो कि भैया सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को प्रोड्यूस करे ना कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट करें? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।